16 अगस्त है आज से जनरल पब्लिक का ट्रैवल अलाउ किया है, जिसने दो डोसेज लिए हैं अपने कोविड के प्रोटेक्शन के लिए। अभी 9:50 के लोकल थाना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है। क्राउड इतना तो है नहीं। नौ बजकर 41 मिनट की चुके हैं। मैं आगे का फर्स्ट क्लास पकड़ूंगा। गाड़ी आ रही है प्लेटफॉर्म पर। गाड़ी प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर चुकी है। मैं अपनी बोगी पकड़ता हूँ। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पूरा भरा रहेगा, लेकिन पूरा बोगी
खाली दिख रहा है। अभी गाड़ी का स्टैंडर्ड टाइम भी सबसे एक मिनट बाकी है, 9:49 हो गया है, 9:50 की गाड़ी है, फिर भी गाड़ी पूरी खाली है। प्लेटफॉर्म नंबर एक है। अभी गाड़ी छूटेगी थाना स्टेशन से। खाली है मस्जिद बंदर सब से गाड़ी रुकी है और लोग गाड़ी उनके कारण हर स्टेशन पे लोग आते थे जाते थे, एक दो दो लोग निकलते थे, लेकिन गाड़ी मेजोरिटी ही खाली रही। या आगे की सीट जो है वो तो कभी बनी नहीं, तो भी देखते खाली है। गाड़ी अभी वो उतर के प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, दो नंबर की अभी अभी आई है, लेकिन क्राउड बिल्कुल नहीं है। अभी ये लोकल से कितने लोग उतर के ये देखेंगे। कोई लोग उतरे नहीं है, मैं यहाँ फर्स्ट क्लास में था। पूरा खाली है, मैं अभी प्लेटफॉर्म से स्टेशन से बाहर निकलूँगा और बस है, बस पकड़ के मैं कब परेड एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरा ऑफिस है। यहाँ के पंखे देखे होंगे आपने कितने बड़े स्पैन के हैं। आगे से ऐसा एरिया दिखता है, ये प्लेटफॉर्म शुरू होते हैं, एक नंबर दो नंबर करते हो, सात नंबर आखिरी में लोकल का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में शुरू होता है
बाहर के गांव की ट्रेन का प्लेटफॉर्म। बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, रेलवे स्टेशन। ये मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, और मैं यहाँ 25 या 45 नंबर की बस रखूँगा, बस के लाइन में खड़ा हूँ। हमारा ऑफिस इसमें है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, लेफ्ट साइड में हमारा टावर है। तो आ गए हैं हम, अभी मेरे केबिन में एंट्री किए हैं। मैं बैठने से पहले, अपने जगह पे बैठने से पहले और कंप्यूटर शुरू करने से पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। एक मिनट, यह है अरेबियन सी और ये है मरीन लाइंस। क्वींस नेकलेस रात को जो दिखता है उसका ये आधा भाग दिख रहा है। उधर आगे मलाबार हिल, राज्यपाल भवन, ये सब एरिया दिख रहा है और पूरा ये जो होराइजन है वहाँ तक अरेबियन सी दिख रहा है। वेस्ट साइड से आने वाले शिप्स के लिए ये एंट्री पॉइंट है। इसके पीछे, मेरे बराबर पीछे बॉम्बे डॉक्स है, तो यही रूट से आते हैं। आज मौसम काफ़ी साफ है और फॉगी नहीं है, बादल तो है, ओवरकास्ट है, लेकिन फॉगी नहीं है, हवा चल रही होगी, इसलिए हमें काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ बीच में बराबर अभी मेरे गिरगांव चौपाटी है, जो काला टावर है इसके बराबर नीचे का एरिया है वो गिरगांव चौपाटी, जहाँ बॉम्बे के गणपति का विसर्जन होता है बड़े पैमाने पर। साउथ मुंबई का गणपति जो है यहाँ आते हैं, बड़े बड़े जो गणपति है सभी यहाँ आते हैं। यहाँ स्पेशल प्रबंध किया जाता है बड़े गणपतियों के लिए। बराबर काला टावर जो है बीच में, उसके नीचे की जगह सैंडी एरिया है थोड़ा। चलो, आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, आपने एंजॉय किया होगा। पुराने ब्लॉग्स आपने देखे नहीं हो तो वो भी आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कुछ कमेंट्स हो गए तो वो भी बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।